हम टॉपिक कर रहे थे आपके मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, जो कि आपका चैप्टर 15 है। तो उसके हमने कुछ लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स किए थे, तो मैं उसके आगे के एग्जांपल्स आपको करवाने वाली हूँ आज, ठीक है। जैसे पेज नंबर 306 आपकी बुक का एग्जांपल 12 देखिए। व्हाट डज इट से? अ कार्टन कंसिस्ट ऑफ, एक कार्टन में कितने हैं, क्या चीज़ है? 100 शर्ट्स हैं, जिसके अंदर से ऑफ विच 88 आर गुड एंड 8 हैव माइनर डिफेक्ट्स एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट्स, ठीक है। आपके पास टोटल कितनी शर्ट्स हैं? 100 कार्टन के अंदर, जिसके अंदर 88, 8 एंड 4 आपके पास डिवाइड कर दिए, 88 जो कि गुड कंडीशन में है, 8 के अंदर माइनर डिफेक्ट है एंड 4 के अंदर मेजर डिफेक्ट्स है। ओके, जिमी जो एक ट्रेडर है, अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट, वो सिर्फ एक्सेप्ट करेगा शर्ट को विच आर गुड, जो कि गुड है। बट सुजाता, अनदर ट्रेडर, एक सुजाता है, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, यानी कि वो कौन कौन से एक्सेप्ट कर सकती है, माइनर डिफेक्ट वाले और गुड वाले एक्सेप्ट करेगी, बाकी मेजर डिफेक्ट वाले की 4 आपके रिजेक्ट कर देगी। और जो जिमी है वो सिर्फ कौन से एक्सेप्ट करेगा, 88, यानी कि कौन से रिजेक्ट करेगा, 8+4 वाले, ठीक है। वन शर्ट इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द कार्टन, शर्ट एक रैंडमली एक कार्टन से निकाला गया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। अब जैसे मैंने अभी, अब ट्रेडर्स का, अब जैसे हमने ये लिख लिया इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अब हम ट्रेडर्स का भी अलग से कॉलम बना लेते हैं, लाइक जिमी का बना लिया हमने, एक हमने बना लिया सुजाता का, ओके। अब वो क्या कह रहे हैं, जिमी विल एक्सेप्ट, ओनली एक्सेप्ट शर्ट जो कि गुड कंडीशन में है, तो ये हमारा एक्सेप्ट क्या करेगा, 88 एक्सेप्ट करेगा और बाकी बचे 8+4 यानी माइनर और मेजर डिफेक्ट वाली उनको रिजेक्ट कर देगा, राइट। और यहाँ पे ये वाली एक्सेप्ट कर देगा। और सुजाता क्या कह रही है कि सुजाता विल ओनली रिजेक्ट शर्ट, वो रिजेक्ट करेगी विच हैव मेजर डिफेक्ट्स, यानी कि कौन से रिजेक्ट कर देगी, 4 मेजर डिफेक्ट्स वाले, इनको क्या कर देगी, रिजेक्ट। यानी कि जो बाकी बचे 88 प्लस माइनर डिफेक्ट वाले, इनको क्या कर देगी, एक्सेप्ट। ये आपके पास आ गया। आपने इस तरीके से ये कॉलम जरूर बनानी है ताकि आपके क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो, इस तरीके से बना लो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, अब रैंडमली एक शर्ट निकाली है, तो इट इज़ एक्सेप्टेबल टू जिमी, जिमी एक्सेप्ट करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी एक्सेप्टिंग द शर्ट, तो वो आपकी क्या होगी, आपको पता है आउट ऑफ 100 है, जितनी भी हैं शर्ट्स हमारी टोटल 100 है, वो एक्सेप्ट कितनी कर रहा है, ओनली 88, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 88/100, जिसको हम लिख सकते हैं 0.88, ओके। और आपको पता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी लाइज ओनली इन द रेंज ऑफ 0 to 1, और आपकी 0 to 1 के बीच में ही आनी चाहिए, 8.8 कोई नहीं लिखेगा, ना ही 88 कोई लिखेगा, आपको लिखनी है 0.88 जो आपका निकाल के आया, ठीक है, बिकॉज इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0 to 1। सिमिलरली अब आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू सुजाता, अब सुजाता को एक्सेप्टेबल हो, अब आपको पता है सुजाता को एक्सेप्टेबल कैसे हो सकता है, अगर वो या तो गुड कंडीशन में या फिर माइनर डिफेक्ट पे चल जाएगा, यानी कि 88+8 आउट ऑफ टोटल, यानी कि आपको पता है 96/100, यानी कि 0.96, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर्स, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, आपको सारी प्रोबेबिलिटी के इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब जैसे मैं एक मेजर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 13, ओके, क्या कहते हैं, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, डाइस आपको पता है जिससे आप लूडो खेलते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मार्क्स होते हैं उस पर, एक ब्लू है और एक ग्रे है, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, यानी साइमल्टेनियसली दोनों को थ्रो किया, राइट डाउन द ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स देखो कैसे होंगे, जिसने आपने सीधा सीधा से पूछा हुआ है कि टू डाइस आर थ्रोन, ठीक है, एक आपकी कलर है ब्लू वाली और एक है ग्रे वाली डाइस, ठीक है। अब हमने जो पॉसिबल आउटकम करने हैं, मान लो हमने इस तरीके से बनाना है, यहाँ पे ब्लू डाइस का और यहाँ पे हम कर लेंगे ग्रे डाइस का, ठीक है, और इसके पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, ब्लू का 1, ग्रे का 1,
1 2, यानी कि ब्लू का 1 ग्रे का 2, ब्लू का 1 ग्रे का 3, इसी तरीके से आपके ये बनते चले जाएंगे 1 का, ठीक है। अब ब्लू का अगर 2 आ गया, इसका 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 एंड 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि इसमें टोटल आउटकम, ये आपके हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं यानी कि इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता, दैट इज जो आप यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने में डिनोमिनेटर में, टोटल पॉसिबल आउटकम, दीज आर द टोटल पॉसिबल आउटकम। तो कितने पॉसिबल आउटकम है, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने आए, ये आपके आएंगे 36, ठीक है। अब ये निकालने का एक और तरीका होता है कि पहली डाइस थ्रो करी तो 6 आएंगे, दूसरी डाइस थ्रो करी तो भी 6 आएंगे, तो 6 × 6 36 आ गया। इस तरीके से भी आता है, अगर आप इनको काउंट करोगे तब भी आपको क्या आएंगे 36, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 36। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी कि आपके पास ये जो दो दो नंबर दे रखे हैं, अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज, यानी कि डाइस पे जो आपके नंबर आ रहे हैं उनके सम आपका 8 आए। अब आपको ये बनाना है कि उससे पहले प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले कि 8 किस किस में आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट यानी कि सम आना चाहिए 8। तो आपको पता है, मान लो ये इवेंट ई है जिसके अंदर आपका क्या आएगा, सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग ऑन डाइस इज 8, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो आपके कौन कौन से आएंगे वो चीज़ आप बता सकते हो, स्टार्टिंग से करना है जो जो आपके बनते हैं जिसमें आपका आएगा सम 8, यानी कि जैसे कि 2 6, मैं स्टार्टिंग से लेके चल रही हूँ ताकि हमारा बीच में कुछ रह ना जाए, 2 6 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2, दैट्स इट। इसके अलावा तो कोई हमारा सम 8 एग्जैक्टली 8 उसने बोला तो एग्जैक्टली तो सिर्फ इसमें बन रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई कितने हुए, 1 2 3 4 5, दैट्स इट। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस इज 8। तो कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, हमेशा ही टोटल आउटकम आपका नीचे आएगा जैसे कि आपको पता ही है। तो नंबर इवेंट ई कितना है, 5 डिवाइड में 36, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब आपका सेकंड पार्ट आपको क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 13, कि आपको क्या आना चाहिए 13। क्या 13 आप देखो, अगर आप इसमें से कहीं पे भी देखोगे आपका 13 आएगा, नो क्यों, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम नंबर है 6 6, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता, 6 6 का सम भी 12 बनता है, 13 बनता ही नहीं। मैक्सिमम दो डाइस में का आप थ्रो करोगे तो 13 नहीं बनेगा। तो जो आपका इवेंट एफ मान लो, चलो वो हमारा इवेंट ई था, ये हमने एफ मान लिया कि सम ऑफ टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन डाइस इज 13, तो कितना है, कोई भी नहीं, 0। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ क्या हो गई, नंबर ऑफ एफ डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो 0/36, तो आंसर आ गया आपका 0। अब आपका थर्ड पार्ट है, अब ये थर्ड पार्ट ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लो, क्योंकि ये आपके इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर अपेयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन और इक्वल टू 12, 12 हो या फिर 12 से कम हो, सबके सब वही है,
वन वन हमारा टू है, 12 से छोटा है, वन टू थ्री है, इस तरीके से आप सारे देखोगे। और लेस देन इक्वल टू 12 बोला, अगर लेस देन 12 बोलता तो ये 12 वाला हटा देते। अब उसने बोला लेस देन एंड इक्वल टू 12, यानी कि 12 भी इंक्लूड करना है, तो ये हमारे सारे टर्म्स वही हैं। तो जो हमारा इवेंट जी लगा लो, इवेंट जी जो उसने बोला है, सम इज लेस देन और इक्वल टू 12, सारी चीजें आ जाएंगी, वन वन से, वन वन से लेके सिक्स सिक्स तक, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज 36, राइट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड जी क्या होगा, नंबर ऑफ जी डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल आउटकम, यानी कि 36/36 वन, दैट इज योर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। वन से ज़्यादा आपका नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें आपके सारे आ गए तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बना गई। इस तरीके से क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज के भी ट्राई करने, एग्जाम्पल भी ट्राई करने हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।